सात हैरत अंगेज ताकतें जो सिर्फ छोटे बच्चों में ही पाई जाती हैं और बड़े होने पर गायब हो जाती हैं। माँ के रहम से बाहर आने के बाद बच्चा बज़ाहिर कमज़ोर होता है और अपनी हर ज़रूरत की तकमील के लिए दूसरों का मोहताज होता है। अपने तौर पर उठने बैठने चलने फिरने और बोलने से भी कासिर होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत इंसाफ वाली है। यही वजह है कि खालिक कायनात बज़ाहिर कमज़ोर और नातवां नज़र आने वाले बच्चे को भी कुछ ऐसी खुसूसियात से नवाजता है जो इसको महफूज रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बच्चा ताकतवर और तवाना होने लगता है, वैसे वैसे रब कायनात की जानिब से अता करदा ये सुपर पावर्स भी कम होते होते ख़त्म हो जाती हैं। रोना इंसानी नफ्सियात का वो अमल है जो जिस्मानी और जहनी हालतों पर अपने असरात मरतब करता है। ज्यादा रोना कमजोरी और सर दर्द का भी सबब होता है। यही वजह है कि खालिक कायनात ने छोटे बच्चों में ऐसा निज़ाम रखा है कि वो रोते नहीं हैं बल्कि सिर्फ चीखते हैं। उनकी आंखों की आंसू वाली डिप बंद होती है जो एक खास वक्त के बाद खुलती है। यही वजह है कि बच्चे चीखते जरूर हैं लेकिन रोते नहीं। नौमौलूद बच्चों में 6 माह की उम्र तक कुदरती तौर पर यह सलाहियत मौजूद होती है कि अगर उनको पानी में डाला जाए तो वो कुदरती तौर पर कुछ देर के लिए अपना सांस बंद कर लेते हैं और हाथ पांव इस अंदाज में चलाने लगते हैं जैसे तैरने के दौरान चलाए जाते हैं। ताहम ये सलाहियत बड़े होने पर रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। छोटे बच्चों की इब्तदाई उम्र नशोनुमा की होती है। इस दौरान बच्चे का वजन मुख्तसर अरसे में ही 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन वजन के बढ़ने से मोटापा भी नहीं होता और उनका जिस्म मुतनासिब रहता है। इसीलिए छोटे बच्चे दुनिया के वाहिद जानदार हैं जिनका वजन कई गुना बढ़ भी जाए फिर भी उन्हें मोटा करार नहीं दिया जा सकता। नौजायदा बच्चों के जिस्म में तकरीबन 300 हड्डियां होती हैं जो बालिग इंसान से काफी ज्यादा हैं। इसके साथ साथ ये हड्डियां बहुत नरम और लचकदार होती हैं। इसका सबब यह होता है कि उस वक्त बच्चा माँ के रहम से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करता है और इस सूरत में हड्डियों की लचक जरूरी होती है। पैदाइश के बाद दूसरे लोगों के हाथों का मोहताज होने के सबब इसकी हड्डियों के तहफ्फुज़ के लिए भी रब करीम ने इनको लचकदार बनाया है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये सख्त हो जाती हैं। आमतौर पर छोटे बच्चे अपना नाक खुद साफ नहीं कर सकते और उनकी सांस की नाली बारीक होती है जिसमें अगर कुछ रेत या मिट्टी के जर्रात चले जाएं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चे कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा छींकते हैं जिससे सांस की नाली साफ रहती है। माँ बच्चे की मुहाफिज होती है, इसी वजह से माँ के रहम में 9 महीने गुजारने के दौरान बच्चा अपनी माँ के लमस और लहजे की शिनाख्त हासिल कर लेता है जो इसके तहफ्फुज़ के लिए बहुत जरूरी होता है। ताहम वक्त के साथ साथ इस फहरिस्त में कई दीगर लोग भी शामिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों को सोने के लिए ना तो अंधेरे की जरूरत होती है और ना ही खामोशी की। यही वजह है कि बच्चे हर तरह के हालात में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ताहम वक्त के साथ साथ इस सलाहियत में भी कमी वाकई होना शुरू हो जाती है और बच्चों को सोने के लिए कुछ मखसूस हालात दरकार होते हैं, लेकिन ये 6 माह के बाद ही होता है। मजीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें।